हेलो दोस्तों, योगेंद्र शर्मा फिर से आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप लगातार वीडियोस को देख रहे हैं और उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो यही मेरे लिए काफ़ी है। अब आज मैं आपको एक ऐसा आसान सा यूज पढ़ाने जा रहा हूँ, इतना आसान सा यूज है जो देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी विशेष बातें होती हैं जिनमें हम मोस्टली गलती कर जाते हैं। और वो यूज किसका है? यूज ऑफ बी फॉर्म। बी फॉर्म बोले तो क्या होता है, बी की फॉर्म्स क्या होती हैं? तो बहुत आसान सी बात है कि जो बी की फॉर्म्स होती हैं कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज और वर। और इनको हम कभी कभी लिंकिंग वर्ब भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लिंकिंग वर्ब। ये बी की फॉर्म्स होती हैं। अब इन बी की फॉर्म्स को हम यूज कैसे करते हैं, हाँ, और जो स्पेशल बात मैं इनके बारे में बताऊंगा, हाँ, वो आपको तभी पता चलेगी जब आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे, क्योंकि स्पेशल यूज़ मैं हमेशा बाद में बताता हूँ, शुरू में नहीं। शुरू में नॉर्मल यूज़ होते हैं हमेशा, भाई किसी चीज़ की जो स्केयरसिटी होती है, जो किसी चीज़ की डिफ़िकल्टी होती है, उसको हम बाद में फेस करें तभी तो अच्छा है। सबसे पहले हम डिफ़िकल्टी में फंस जाएँ, हाँ, पहले हम जाल में फंस जाएँ, बाद में निकलने की कोशिश करें, होता तो ऐसा ही है खैर, लेकिन दिमाग में तो युक्ति होती है ना कि कैसे क्या करना है। तो क्या क्या करना है हमको? सबसे पहले ये मैंने बता दिया कि क्या होती हैं, अब इनका यूज कैसे होता है, नियम और जानकारी इसकी क्या होती है, क्या नियम होते हैं, उसकी जानकारी क्या है, तो उसके लिए फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखते हैं, सबसे पहली बात क्या होती है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई वर्क नहीं करता है। सब्जेक्ट होता है लेकिन उसका कोई वर्क नहीं होता है, कोई भी काम नहीं कर रहा होता, वो एक स्थिर अवस्था में होता है, ये समझिए, हाँ, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, हाँ, कहने का मतलब कोई भी क्रिया नहीं हो रही होती है। सबसे पहली बात होती है इसमें जो बी की जो फॉर्म होती है जिनका हम यूज़ करते हैं कि उनमें सब्जेक्ट कोई भी कार्य नहीं करता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने लायक बात है, आगे स्पेशल यूज में बताऊँगा मैं इसमें क्यों कह रहा हूँ बार बार। दूसरी बात, ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट है उसके इसमें या तो कोई गुण हो, प्रॉपर्टीज़ हों, अवगुण हो, डिसप्रॉपर्टीज़ हो, रंग रूप हो, कोई पद हो, कोई पेशा हो, उम्र हो, दूरी हो, हाँ, उन सब का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? गुण, अवगुण, रंग रूप, पद, इन आदि का वर्णन इसमें होता है। अच्छा, अब जब बी की फॉर्म्स हैं तो हमने लिखवाया बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज और वर, ये फॉर्म्स होती हैं बी की। अब इज एम आर का यूज कहाँ होता है? तो इज एम आर का यूज जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज होता है। अब कैसे होता है, इज का यूज कहां होता है? इज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, हाँ, किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसमें आपका प्रोनाउन भी आ जाता है, ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है, और सिंगुलर होते हैं, उनके साथ इज का यूज होता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में होता है। उसके बाद में एम, और एम का प्रयोग मैंने जो अपनी अर्लियर वीडियोज हैं उसमें भी बताया है कि एम जो केवल, एम ओनली लव्स आई, बाकी किसी के साथ नहीं, एम का प्रयोग केवल और केवल, ये एम बनी ही आई के लिए है, आई एम के लिए नहीं बना, लेकिन एम आई के लिए बनी है। तो एम का प्रयोग किसके साथ होता है? आई के साथ। और आर का यूज किसके साथ होता है? प्लूरल नंबर, जिसमें आपका वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, ये तो प्रोनाउन हो गए, और जो प्लूरल नंबर्स होते हैं उनके साथ भी हमारा आर का यूज होता है। कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। तो चौथी बात क्या है? वाज वर का यूज, और वाज और वर का यूज कहां होता है? पास्ट टेंस में। इज एम आर का तो हुआ प्रेजेंट टेंस में, और वाज वर का कहां होता है? पास्ट टेंस में यूज होता है। तो वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और आई के साथ। और वर्ग का प्रयोग जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन जैसे वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में वी की फॉर्म होगी, वी की फॉर्म में यदि प्रेजेंट टेंस में है तो इज एम आर का यूज करेंगे, और यदि पास्ट में है तो वाज वर्ग का यूज करेंगे, एंड देन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक शब्द, जो बाकी मैं जो अभी लिखा रंग रूप गुण दोष वो बताते हैं वो क्या है, वो वही तो पूरक शब्द होते हैं, वही तो कॉम्प्लीमेंट होता है, हाँ। तो सेंटेंस देख लेते हैं कि वह एक वकील है,
वह एक वकील है. बहुत ही इजी. हाँ तो क्या बनेगा? ही. अब है आ गया तो हम जानते हैं कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस. और ही के साथ इज का यूज होगा. इज ए वकील, लॉयर. ही इज ए लॉयर. ठीक है. अब यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं हमेशा कि नेगेटिव सेंटेंस में जो भी वर्ब का कार्य कर रही होती है ऐसे उसमें इज एम आर वाज वर्ब में है, तो यही तो वर्ब है. तो इसके बाद में क्या करेंगे? नोट लगा देंगे नेगेटिव में. बस इतनी सी बात होती है. नेगेटिव बनाने के लिए इज एम आर वाज वर्ब के बाद में नोट का यूज करते हैं. इंटरोगेटिव मैं आपको अर्लियर वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ कि फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दो तरह के होते हैं. फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ कि फर्स्ट टाइप होते हैं जो किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं. किससे शुरू होते हैं? हमेशा क्या से. और सेकंड टाइप कौन से होते हैं फिर उनको भी रिमाइंड करा रहा हूँ जिनके बीच में क्या, क्यों, हाँ, कब, कहाँ होते हैं. ये वाक्य के बीच वाक्य में होते हैं. ये किस में होते हैं? बीच वाक्य में. हाँ तो सबसे पहले जाऊं फर्स्ट बनाएंगे फर्स्ट टाइप. तो जैसे क्या वह लालची था. क्या वह लालची था. बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं. वॉज ही लालची, ग्रीडी. बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन. और वह लालची क्यों था तो शुरू में हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे कि वह लालची क्यों था. तो ये तो अब तक बहुत ही सिंपल प्रयोग है लेकिन स्पेशल प्रयोग क्या है वो अब देखिए. तो स्पेशल यूज में क्या करते हैं हम देखते हैं. वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है लेकिन देखने में ऐसा लगता है जब हम वाक्य को देखते हैं कि जैसे कोई वो कार्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है. हाँ एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि चीता मांसाहारी होता है. अब ताहे आ गया इसमें. अब कई बार आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तो उसमें ताहेत ही आ जाता है लेकिन नहीं ये बेशक ताहे आ रहा है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है कोई भी कार्य नहीं हो रहा है इसलिए इसका ये स्पेशल यूज है. कि अब बोलते हैं ना कि जैसे वह अच्छी लगती है. हाँ वह अच्छी लगती है तो केवल अच्छा लगना उसमें वर्क नहीं हो रहा है कोई भी कार्य नहीं हो रहा है. ठीक है ना. राजनेता भ्रष्ट होते हैं. हाँ तो उसमें कार्य नहीं कर रहे हैं कोई भी केवल क्या है ऐसा प्रतीत हो रहा है. तो जैसे चीता मांसाहारी होता है मैंने बताया आपको. द टाइगर इज फ्लैश ईटर या कार्निवोरस बोल देते हैं. हाँ तो ये क्या हुआ स्पेशल एक तरह से यूज हुआ कि देखने में ऐसा लगता है जैसे वर्क हो रहा है लेकिन होता नहीं है प्रतीत होता है ऐसा. अब एक बीमाने होना. बीमाने होना भी तो होता है. हाँ जैसे हम फ्यूचर में यूज करते हैं फ्यूचर की जो वर्ब होती है कि विल बी और शैल बी. विल बी और शैल बी का यूज करते हैं. हाँ और वहाँ विल बी और शैल बी में क्या होता है कैसे उनका यूज होता है देखिए बहुत सीधी सी बात है कि आई और वी के साथ तो करते हैं हम शैल बी का यूज और अदर्स के साथ किसका यूज करते हैं विल बी का यूज. अब फ्यूचर में सेंटेंस कैसे होते हैं जैसे वह कमरे में होगी तो क्या बनेगा सी विल और बी इन द रूम. वह कमरे में होगी. और दोस्तों इसका नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज इसके बीच में करेंगे कि वह कमरे में नहीं होगी यदि नेगेटिव होगा. इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा तो हम विल पहले लगाएंगे या सेल पहले लगाएंगे और बी सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे. और सेकंड टाइप होगा तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे. तो इस बी के प्रयोग को मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा भी होगा. तो आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू.